हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, यानी अधिगम संबंधी कठिनाइयों के बारे में। ठीक है, बच्चे जब लर्निंग करते हैं तब उनके सामने बहुत सारी समस्या आती है। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन संबंधी समस्या, यानी बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है। डिसग्राफिया, लेखन संबंधी समस्या, यानी लिखने में समस्या आती है। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया का मतलब है गणना संबंधी समस्या, यानी बच्चे जो है कैलकुलेट नहीं कर पाते। डिसप्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया में होता है गति कौशल संबंधी समस्या, उनकी स्पीड जो होती है काफ़ी स्लो होती है। उसके बाद है अफेजिया। अफेजिया में है भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, यानी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती। डिमेंशिया की अगर बात करें तो डिमेंशिया है तर्क ना कर पाना एवं स्मरण शक्ति जो होती है कमज़ोर होती है, यानी बच्चे लॉजिक नहीं लगा पाते, साथ ही उनकी जो मेमोरी लेवल होती है वो वीक होती है। इसके बाद हम देखेंगे एलेक्सिया। एलेक्सिया होता है सीखने में अक्षमता। ठीक है, सीखने में अक्षमता। उसके बाद है ADHD। ADHD जो है ध्यान संबंधी समस्या होती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बच्चों का वीक होता है। ठीक है, तो ये थे लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।